हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप एनिमेशन ऑन द स्क्रीन अभी देख रहे हैं, इस तरह का एनिमेशन अगर आपको बनाना होता है तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए आज सीखते हैं इस तरह का एनिमेशन हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए मुझे पावर पॉइंट खोलना होगा। पावर पॉइंट खोलने के लिए आपको करना क्या होता है, हम इसे बंद करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं। स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद पावर पी एन टी लिखना है या पावर पॉइंट लिखना है। यहाँ से पावर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पावर पॉइंट आपका कुछ इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको लेना है और ब्लैंक लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको जाना है लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है तो आपको एक ब्लैंक पेज यानी सादा पेज मिल जाएगा। अब दोस्तों इंसर्ट में जाना है और सैप्स में जाना है। सैप में जाने के बाद एक हॉट का सैप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस तरह का हॉट का सैप आपको यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार का एक हॉट का सैप मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको उठा करके मध्य में मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, इसके आउटलाइन सैप्स में जाना है। ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट का डिज़ाइन खुलेगा। यहाँ से सैप फिल का ऑप्शन देगा, यहाँ से रेड कलर कर लेना है। आउटलाइन में जाना है और आउटलाइन में भी आपको रेड कलर कर लेना है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका सैप्स का दिखाई देने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिज़ाइन जाना है। डिजाइन में जाने के बाद एक बैकग्राउंड डिजाइन ले लेना है बैकग्राउंड के लिए। तो मैंने एक बैकग्राउंड डिजाइन यहां से चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद यहां से जो आपका ये ऑब्जेक्ट है हॉट का, इसमें आपको जूम का एनिमेशन लगाना है। तो कुछ इस तरह से करेगा, लेकिन दोस्तों इसका स्पीड काफी ज्यादा है। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहां ड्यूरेशन पे जाते हैं और ड्यूरेशन में जाने के बाद अप्रॉक्स 2 सेकंड का स्पीड रख लेते हैं। अब इसको हम अगर प्ले करके देखते हैं प्रीव्यू करके, तो ये 2 सेकंड के लिए ऐसे करेगा। उसके बाद दोस्तों ये वन टाइम कर रहा है, इसको अगर मुझे बार बार रिपीट करना होता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एनिमेशन पेन पे जाना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुझे राइट साइड में एक एनिमेशन पेन दिखेगा। फिर यहाँ से एनिमेशन पेन आपको हॉट 3 का एक एनिमेशन पेन दिखेगा। यहाँ पे जाना है, छोटा सा पॉइंट पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है यहाँ से टाइमिंग पे। टाइमिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से टाइमिंग सेट करना है। तो ड्यूरेशन आपका 2 सेकंड का ही है, या फिर आप जितना देर का रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद रिपीट आप कितने बार कराना चाहते हैं, तो रिपीट हम 10 टाइम कराना चाहते हैं तो 10 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक कर दे ओके बटन पर। अब दोस्तों ये 10 टाइम्स आपको ऑटोमेटिक जो है रिपीट करेगा। अब इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन में अगर देखना है तो हम कीबोर्ड का F5 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको मैटर डिज़ाइन करके दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह का एनिमेशन आपने आसानी से बना लिया और बिल्कुल आसान होता है इस तरह का एनिमेशन बनाना, जो बहुत सारे मिक्सिंग्स वर्क के लिए इस तरह का एनिमेशन अगर आप बना सकते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।